नमस्कार। बिहार के लोकसभा चुनाव में बदकुचन का दौर फुल स्पीड में है। आरोप और प्रत्यारोप से मन नहीं भरा तो उतर आए बदकुचन पर। कुछ लोग इसे सुनकर मजे ले रहे हैं तो कुछ लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। नेता से लेकर जनता तक सभी इस बदकुचन में शामिल हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार बनने पर लोगों को एक साल में 1 लाख रुपए देने की बात जिस रैप स्टाइल में कही वो आप सुनिए। 4 अगस्त 8,500 रुपए हर महीने पहली तारीख कटाकट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। सुन लिए ना, खटाखट 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 इस भाषण का खूब रील बना और वायरल भी हुआ। राहुल जी के इस भाषण के बाद बिहार में इनके प्रमुख साथी तेजस्वी बाबा कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी उसमें कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ा वो भी आप सुनिए। तो मूड कैसा है? टराटन 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 मूड टराटन है तो नौकरी फटाफट 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 मिलेगा। और हमारे बहनों के खाते में हर एक साल 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। देखो असली मुद्दा बेरोजगारी है। जब तेजस्वी जी ने इस बात का बतंगर बना ही दिया तब उनके विरोध में सीना तान कर खड़े हो गए गठबंधन पार्टी के तमाम नेता। ये उनका धर्म भी होता है, उनका तगड़ा जवाब देना भी उनकी जिम्मेदारी है। सो जदयू वाले अपने नीरज बाबू तत्काल पैना सोटा लेकर खड़े हो गए। गोल गोल आंख दिखाते हुए नीरज दा ने जो कहा वो भी सुनिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला फटाफट फटाफट फटाफट। अपने बिहार के चौक चौराहों पर चाय पान की दुकानों पर अक्सर बदकुचन होते रहते हैं। बदकुचन में लोग खुद भी शामिल हो जाते हैं, वहीं चालाक लोग दूर से ही सब सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। कभी कभी बदकुचन काफी ज्यादा तू तड़ाक में तब्दील हो जाता है। तो भाई, आप लोगों ने चुनावी बदकुचन तो सुन ही लिया, मनोरंजन कीजिए, हंसिए, लेकिन सीरियस मत होइएगा। गर्मी में ठंडा रहिए। ये सब तो नयका नेता लोग के बदकुचन है, इसके पहले पुरनका नेता लोग के भी बदकुचन होता था। अगला वीडियो में पुरनका देहाती स्टाइल वाला बदकुचन भी दिखाएंगे और सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।